decidido lo hago. Ahora también veo a mi padre. तो अभी पानी डाल लिया है, तो अभी ये बीच में चीज़ें फ्लोट हो रही हैं तो इनको वापस सही करते हैं। सही हो गया। तो अभी साथ ही ये पंप ऑन कर लेते हैं, देखें चलता भी या नहीं चलता। वो फुल कितनी हूँ सही है, वैसे आवाज शोर करी हूँ वरना तो पानी वाला शोर बाहर आ चलनी भी मोटर। अभी हमने ये लगाया है यूएफओ एयर पंप, तो ये रहा यूएफओ एयर पंप। तो अभी हमने ये सेट किया है भाई ने, तो ये के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है। तो ये रही एलईडी लाइट, तो अभी ये लगाते हैं। तो ये एलईडी लाइट है, तो माशाल्लाह इसकी वजह से काफ़ी अच्छा दिख रहा है अंदर। तो साथ में हम ये लेके आए मिनी हीटर, तो ये हम साथ में अंदर लगाएंगे ताकि जो चीज़ हम लेके आए उसको एक टेम्परेचर चाहिए, तो फिर लगा के हीटर अंदर तो एक टेम्परेचर सेट कर देंगे उसके लिए। तो अभी लगाते हैं। तो अभी ये भाई लगा रहे हैं हीटर, हीटर भी काफ़ी ज़रूरी है इनके लिए, अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है टेम्परेचर जो है, तो ये जो हमारा न्यू पेट है ये सर्वाइव नहीं करेगा फिर, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक सा पेट है। अभी एक और चीज़ भी हमने डालनी है, बाद में हम आपको दिखाते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो ये भी लगा दिया टेम्परेचर, तो अभी इसको सेट भी करना पड़ेगा। अभी हम सेट करने लगे हैं टेम्परेचर 26, इंटरनेट पर यह है ना 26 हाँ सी ना में, ना 26 से नीचे हो या ना 26 से ऊपर हो, एटलीस्ट 26 होना चाहिए टेम्परेचर। ये चेंज हुई है विच इज वेरी गुड, टेम्परेचर 28 सा लगा, 26 कर सी सुनना आ घटना पे वो नाश्ता आस्ता। तो ये भी जो पानी का टेम्परेचर अंदर है वो अभी इतना है, तो हमने 26% सेट किया है, तो अभी ये आस्ता आस्ता 26 पे जाएगा। और ये भी हमें एक बहुत यूज़फुल चीज़ है, ये पानी का सॉल्ट लेवल मेशर करने के लिए। तो ये जो फिश जो हमारा पेट है ये सॉल्ट फिश है, तो इसके लिए सॉल्ट का पानी में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये डाल के हम चेक करेंगे कि सॉल्ट का लेवल कितना है, और अभी हमने डाली नहीं है सॉल्ट, अभी सॉल्ट पे डालनी है। तो अभी ये सॉल्ट डालते हैं एक बार, हाँ ज़्यादा भी देना बस में, क्या दुआ वेट टेम्परेचर चेक कर गया करना। तो ये जो है ये ग्रीन पे ही रहना चाहिए, अगर ग्रीन ना ग्रीन से ऊपर अच्छा है और ना ग्रीन से नीचे। बस हम ये खोलने लगे हैं अपनी फिश को, तो उन्होंने वह दूसरी गैस डाली होती है, तो अभी हम थोड़ी देर इसको खोलेंगे ताकि फ्रेश एयर अंदर जाए, ताकि फिर ये एडजस्ट कर सके। तो उसके बाद थोड़ी देर तक इंशाल्लाह फिर हम अपने इसको अपने नए घर में डालेंगे। तो ये रही हमारी दोनों फिशें निमो, तो अभी मुझे लगता है कि आप इनको भूख भी लगी हो, तो इनको थोड़ा बहुत खाना भी देते हैं। मैंने खाना डाल दिया, तो ये जो है ये नूडल की तरह तकरीबन है ये इनका खाना है, हमने डाल दिया पर ये अभी खा रहे नहीं हैं, ये भी पड़ा हुआ है, तो जब इनका दिल करेगा ये खुद ही खा लेंगे।